जनवरी 11, 2021 आज लाइन में आए हुए हर एक प्रियजनों को मैं परमेश्वर के नाम से स्वागत करती हूँ। आज गीत गा के परमेश्वर की महिमा करने के लिए सिस्टर सोनी सबास्टिन हमारे मध्य है। इनवाइट सिस्टर सोनी फॉर द सॉन्ग। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the प्रेज Lord. पवित्र आत्मा दे परमेश्वर अंतिम बारिश वचन अनुसार आत्मा की प्यास बुझाने दिल में नदियां बहाए आत्मा की प्यास बुझाने दिल में नदियां बहा दी बरसल जैसे निर्जल दिनों को आत्मा की वर्षा से सींच दे मरुस्थल जैसे निर्जल दिनों को आत्मा की वर्षा से सींच दे बहुमूल्य फल बन जाने को बारिश पिछली भेज दे बारिश पिछली भेज दे पवित्र आत्मा दे परमेश्वर अंतिम बारिश वचन अनुसार आत्मा की प्यास बुझा दे दिल में नदियां बहा दे आत्मा की प्यास बुझा दे दिल में नदियां बहा दे जासे दिलों को तृप्त करने को नदियां जीवन की बहने दे जासे दिलों को तृप्त करने को नदियां जीवन की बहने दे आत्मा में हरदम मगन होने को आनंद की तेज से मसा कर दे आनंद की तेज से मसा कर दे पवित्र आत्मा दे परमेश्वर अंतिम बारिश वचन अनुसार आत्मा की प्यास बुझाने दिल में नदियां बहा दे आत्मा की प्यास बुझाने दिल में नदियां बहा दे उंडेल दे हे प्रभु पवित्र आत्मा अंतिम दिनों में मनुष्यों पर उंडेल दे हे प्रभु पवित्र आत्मा अंतिम दिनों में मनुष्यों पर जय पाने को दुष्टात्माओं पर आत्मा की शक्ति से अब दे भर आत्मा की शक्ति से अब दे भर पवित्र आत्मा दे परमेश्वर अंतिम बारिश वचन अनुसार आत्मा की प्यास बुझाने दिल में नदियां बहा दे आत्मा की प्यास बुझाने दिल में नदियां बहा दे कलीसिया को वरदानों से नई अभिषेक से भर कर कलीसिया को वरदानों से नई अभिषेक से बेदार कर पुनरुत्थान में शामिल होने को पवित्रता की आत्मा दे पवित्रता की आत्मा दे पवित्र आत्मा दे परमेश्वर अंतिम बारिश वचन अनुसार आत्मा की प्यास बुझा दे दिल में नदियां बहा दे आत्मा की प्यास बुझा दे दिल में नदियां बहा दे पहले फलों को ले जाने को आ रहा है दूल्हा यीशु पहले फलों को ले जाने को आ रहा है दूल्हा यीशु आत्मा में भर कर अब जागृत हो दुल्हन हो जा तैयार
दुल्हन हो जा तैयार तू, पवित्र आत्मा दे परमेश्वर है, अंतिम बारिश वचन अनुसार आत्मा की प्यास बुझाने, दिल में नदियां बहा दे आत्मा की प्यास बुझाने, दिल में नदियां बहा दे आत्मा की प्यास बुझाने, दिल में नदियां बहा दे। Amen. Hallelujah. Thank you. God bless you, Sister Sony, for the beautiful song. पवित्र आत्मा को उंडेल दे प्रभु, यही हमारी प्रार्थना है, हम पर, हमारे परिवारों पर, हमारे बच्चों पर, हमारी कलीसिया पर, हमारे जगत पर, परमेश्वर आपकी आत्मा को उंडेल। हालेलुया, ये हमारी प्रार्थना है। हालेलुया परमेश्वर, इस गीत के द्वारा हमें अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद दे। उनके परिवार को परमेश्वर आशीषित करे, एंड हम अब वचन से सुनेंगे, अपने आप को तैयार करें वचन के अनुसार सुनने के लिए और उसके अनुसार जीने के लिए। परमेश्वर हम में से हर एक को तैयार करे वचन से सुनाने के लिए। आज हमारे मध्य सिस्टर बीना बोस्टन से हमारे मध्य है, एंड इनवाइट सिस्टर बीना फ्रॉम बोस्टन टू फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन, हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। आप सबों को इस नए साल 2021 की शुभकामनाएं। प्रभु ने हम सबों को ये नया साल दिखाया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और मैं प्रत्येक रूप से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे भी प्रभु ने एक अवसर दिया कि मैं इस ओक्लामा प्रेयर लाइन में आज के दिन आ सकूं और प्रभु के जीवन सच्चा जीवता वचन को अपन सबके मध्य में शेयर कर सकूं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और बार एक ऐसा अवसर दिया। खुदा प्रभु, जो भी आप हमें अवसर देते हैं, समय असमय हम हमेशा तैयार रहें। खुदा तेरा आगमन बहुत नजदीक है। खुदा आज हम पवित्र आत्मा को निमंत्रण करते हैं कि हमारे मध्य में आए और तू हमसे बोल और बातचीत कर। खुदा ये जो तेरा जीवित वचन है, जो दोधारी तलवार के बराबर है, जब लोग सुनेंगे खुदा उनके हृदय को वार पार छेदता हुआ खुदा सब लोग से तू बोलना और बातचीत करना। खुदा हम केवल वचन के सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले भी हो सके। मैं अपने आप को तेरे चरणों में पूरी रीति से समर्पित करती हूँ। खुदा तेरे नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर। सब यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर प्रभु। आमीन आमीन आमीन। आज जो मैं मेरे पास जो समय दिया गया है उस समय में मैं आप लोग के मध्य में एक बहुत फैमिलियर वर्स है वो मैं शेयर करना चाहूंगी। वो है अपन एक्लेसियास्टिक चैप्टर 12 वर्स 1। एक्लेसिया की पुस्तक उसके 12वीं अध्याय का पहला आयत, इसमें ऐसा लिखा है, अपनी जवानी के दिन अपने उद्धारकर्ता को स्मरण कर इससे पहले कि वो दिन आए कि जिसमें तू कहे मेरा मन इसमें नहीं लगता। और मैं एक और वर्स के साथ लूंगी, वो है प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6। प्रोवर्ब्स 22 वर्स 6 उसमें ऐसा लिखा है कि जिस प्रकार से एक बालक को ट्रेन करना चाहिए उस प्रकार से अपन बालक को अगर ट्रेन करेंगे तो वो अपने मार्ग से छुटकर नहीं जाएगा। तो अपन सब सोचते हैं कि जब ये वचन एक्लेसियास्टिक 12:1 में लिखा गया कि अपने उद्धार अपने जवानी के दिन अपने उद्धारकर्ता को स्मरण कर, अपन जवान है, अपन बुद्धि नहीं है, अपन जवान है, अपन मन से तन से हृदय से बुद्धि से सब अपन जवान है। तो अपना जो आज का दिन है वो दिन है जिसमें अपन को प्रभु को स्मरण करना है, प्रभु का काम को जोरों शोर से करना है। तो आज मैं आपके मध्य में तीन रीजन बताऊंगी कि क्या है तीन रीजन जिससे कि लिखा गया कि हम अपने उद्धारकर्ता को स्मरण कर लें। ये एक चीज अपन को अच्छे से जानना है कि ये जो है सोलोमन ने लिखा है, सोलोमन सबसे बड़ा बुद्धिमान इंसान है। सोलोमन को ये तब मालूम हुआ जब वो अपने ओल्ड एज में था। अगर उसको पहले मालूम पड़ जाता तो वो गलतियां नहीं करता जो गलतियां सोलोमन ने की थी। तब सोलोमन को इतना बुद्धिमान मनुष्य जो इस संसार में अभी तक नहीं हुआ है और ना ही होगा वचन के अनुसार, उसने अपन को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है। वो इसलिए दिया है कि अपन उसको पालन करें। अपने जो शत्रु है वो हमेशा अपन से ये कहता है कि अपना जो यूथ है वो प्लेशर का समय है, बहुत यू नो जोर से अपन को खेलने का समय, मतलब मूवी देखने का समय,
पैसा उड़ाने का समय है, जो मिडिल एज का समय है वो अच्छा बिजनेस का समय है, खूब पैसा बनाओ, बिजनेस बनाओ, जिस मगन रहो करके, और जो ओल्ड एज का समय है वो है धर्म का काम करो, बाइबल पढ़ो बैठ के, चर्च में जाओ, वो अपना शत्रु कहता है। परंतु वचन क्या सिखाता है अपन को कि अगर अपने यूथ एज में क्यों ना हो, मिडिल एज में क्या ना हो, या ओल्ड एज में क्यों ना हो, अपन को हमेशा अपने उद्धारकर्ता को स्मरण करना है, प्रभु की महिमा और स्तुति करना है। हमें हमारे जीवन में जो भी प्रभु देता है उसको कभी भी आपको व्यर्थ नहीं करना है। आज का जो दिन है वो कल नहीं मिलेगा अपने लिए। आज अपन जितना प्रार्थना कर सकते हैं उतना प्रार्थना कर लो। आज जहां जहां अपन को जो जो कुछ काम करना है वहां काम कर लोगी। आज का दिन जब चला जाएगा तो वो वापस नहीं, जिस प्रकार से एक गीत है उसमें लिखा है ना ऐसा कि वक्त जो गुजर जाते हो प्यारो वो फिर नहीं आता है, तेरे दिल के द्वार पर ही यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा वो है आना चाहता। तो आज अगर आपके किसी के भी हृदय के अंदर प्रभु खटखटा रहा हो तो आज की रात ही आप उसको विशाल रूप से खोल के दीजिए, क्योंकि ये अपने जवानी के दिन है, उनको अपने उद्धारकर्ता को स्मरण करना है। अपने वो क्यों स्मरण करना, कि अपन को मालूम है कि यहाँ का जो जीवन है, जिस प्रकार से सैम्स 90 भजन संहिता 90 के 12वीं में लिखा गया है कि प्रभु मुझे अपने दिन गिनने की तो बुद्धि दे, टीच अस टू नंबर अवर डेज दैट वी मे गेन ए हार्ट ऑफ विजडम, मुझे उतनी बुद्धि दे खुदा कि मैं अपने दिन को गिन सकूं। पर एक एक दिन जब आगे बढ़ते आ रहे तो अपना अपनी तंदुरुस्ती भी कमजोर होती आती है और एक एक दिन अपना घटता जाता है, घटता जाता है। तो अगर अपन अपने दिन को अपने एज को एक काउंट द नंबर ऑफ अ डे, तब मालूम पड़ेगा अरे प्रभु आधे से ज्यादा तो मेरी आयु बीत गई है, या 1/4 एज तो मेरा बीत गया है, अब जितने भी दिन बचे हैं बहुत ही कम बचा है, जितना काम मुझे प्रभु के लिए करना उतना मुझे करना। ये सोलोमन को प्रभु ने ये बुद्धि दी थी, इसलिए सोलोमन ने अपन को लिखा है कि अपन कभी भी वो मिस्टेक ना करो करके। तो आज का जो तीन रीजन अपन यहाँ पर देखने जा रहे हैं, वो पहला रीजन है कि ये जो यूथ एज रहता है वो बहुत एनर्जेटिक ईयर्स रहता है, अपन को बहुत तंदुरुस्त रहते हैं। ये वचन के लिए अपने लिए नहीं, अपन को अपने बच्चों के लिए भी पढ़ाना है। इसलिए मैं कहूँ तो सबसे बड़ा जो मिनिस्ट्री है वो संडे स्कूल मिनिस्ट्री है, क्योंकि अपने जो बच्चे हैं बहुत टेंडर एज के रहते हैं, उनको जो भी अपन देते हैं वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उनको मिलता है, और जब वो अपन जो भी उनको पढ़ाते हैं वो एकदम ग्रास्प कर लेते हैं। और बचपन में जो अपन ने पढ़ा है, जितने भी वचन अपन ने मेमोराइज किया है, जितना भी सैम्स मेमोराइज किया, वो कभी भी अपने हृदय के अंदर से नहीं जाता है। इसलिए जो जो भी अपन जब कोई भी प्रभु में आता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, कोई से भी एज में आप प्रभु में आए हैं, जब आप प्रभु का वचन पहले पहले पढ़ते हैं तो आपको बहुत एनर्जी मिलता है, उसमें अपन को बहुत सारी चीजें अपन उसको ग्रैप कर सकते हैं। आपका आप यूथ है, आज अपन सब यूथ है, अपन को जो प्रभु दे अपन बहुत एनर्जी में है, स्पेशली जब कोरोना आ गया है तो अपन सबको एक एनर्जी थोड़ा ज्यादा ही प्रभु ने एक एनर्जी दिया है, उसलिए अपन को उसको वेस्ट नहीं करना है। और कल के लिए अपन को वेट भी नहीं करना है, कल किसने देखा, कल है कि नहीं अपन को मान, आज आज कल के हिसाब से अगर देखा जाए तो अपन देखते कितने कितने हजारों लाखों लोग पिछले साल मर गए संसार से खत्म, कितने बड़े बड़े स्वप्न उनके जीवन में बनाए हुए थे, सबने धन दौलत बनाया, घर बार बनाया, बिजनेस सब ठीक किया, परंतु एक मनुष्य की आयु क्या है, एक एक फूल के बराबर है, एक एक ड्यू ड्रॉप के बराबर है, जो कि आज अपन देखते हैं कुछ घंटों के बाद चला जाता है। उसी प्रकार से मेरा और आपका भी जीवन है, कल अपन ने नहीं देखा, अपन को नहीं मालूम कल क्या होगा, तो अपन को जो भी प्रभु समय देता है वेस्ट नहीं करना है, वो अपन को पूरी रीति से इस्तेमाल करना है। अगर अपन अपने जीवन में परफेक्ट स्थान या परफेक्ट प्लेस को अपन देखेंगे वचन पढ़ने के लिए, तो मेरे भाई बहनों वो कभी भी अपन को मिलने वाला नहीं है। अपना बिजी स्केड्यूल के अंदर ही अपन को कुछ समय निकालना है प्रभु के वचन पढ़ने के लिए। अगर अपन एक परफेक्ट चर्च को देखें कि मुझे एक परफेक्ट चर्च मिल जाए फिर मैं चर्च में जाऊंगा या जाऊंगी, ऐसा कोई चर्च ही नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। प्रभु अपन को जो भी देखता है वहां पे जाके अपन को वहां बनना है। अगर अपने परफेक्ट पास्टर को देख रहे हैं तो मैं आपसे कहूँ कि एक भी पास्टर परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो लोग भी इंसान है, वो भी पापी हैं, वो भी जन्म से ही पापी हैं, वो प्रभु का वचन मान रहे हैं परंतु परफेक्ट नहीं है, उनमें भी बहुत सारी कमी घटियां हैं। तो हमें उनको देखना नहीं है, हमें हमारे लिए एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह को बनाना है, तो अपन उसके लिए भी वेट नहीं करो। अगर आप वेट कर रहे हैं परफेक्ट मिनिस्ट्री के लिए तो वो भी कभी होने वाला नहीं है।
जिस भी कंडीशन में आपको जो भी प्रभु ने वरदान दिया हो, किसी किसी को प्रार्थना के लिए वरदान दिया तो आप उसमें आगे बढ़िए, किसी को वचन सुनाने के लिए तो आप उसमें आगे बढ़िए, किसी को म्यूजिक के लिए दिया तो उसमें आगे बढ़िए। तो अपन को, मेरा कहने का ये है, अर्थ ये है कि जब अपने जवानी के दिन में जिस किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, आप उसी में आगे बढ़ना है। आप इसके लिए वेट नहीं करना है कि आपको अच्छे से फाइनेंस मिल जाए, थोड़ा पैसा मिल जाए, या मैं रिटायरमेंट ले लूं, उसके बाद मेरा कुछ काम नहीं है, मैं बैठ के हस्बैंड वाइफ बैठ के बस बाइबल स्टडी करेंगे, बाइबल प्रीच करेंगे, गॉस्पल, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अपन को कल नहीं मालूम कल कैसा होगा, तो आज के दिन, आज का दिन अपना लास्ट दिन सोच के अगर अपन काम करेंगे प्रभु के लिए तो अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये जो पहला पॉइंट जो मैं बता रही कि एनर्जेटिक लिया रहे, तो आपका जो आज का दिन है वो एनर्जी से भरा हुआ है, कल आपका एनर्जी थोड़ा और कम हो जाएगा, परसों थोड़ा और कम हो जाएगा, तो आप एक एक दिन बहुत प्रेशियस लेके अपन को चलना, ये अपना यूथ एज है। तो दूसरा पॉइंट मैं शेयर करना चाहूंगी, सेंसिटिव ईयर, अपन जवान है, अपन सब जवान है, अभी बहुत सेंसिटिव है, प्रभु ने अपन को अपना जो हार्ट है बहुत सेंसिटिव है, प्रभु ने अपन को ये दिया है। अपन देखते हैं जब थोड़ा बुढ़ापा हो जाता है, नेचुरल रूप में देखा जाए तो अपना हार्ट का बॉल सब हार्ड हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह कलेक्ट हो जाता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो जितने जल्दी जल्दी अपन प्रभु का वचन ग्रहण करते जाएंगे, उतना अपन जल्दी से उसको स्वीकार करके अपन उसको ओबे करने लगेंगे। अगर अपन ओल्ड एज के लिए बैठा रहेंगे तो बहुत मुश्किल है। इवन अपना सर्वे ही कहता है कि जो यंग एज में जितने लोग प्रभु को एक्सेप्ट कर जाते हैं वो उनका नंबर बहुत ज्यादा है, जो ओल्ड एज में एक्सेप्ट करते हैं उनका नंबर बहुत कम है। क्यों ऐसा क्यों होता है कि उनका सेंसिटिविटी जो है बहुत कम होने लगता है, वो थोड़ा जैसे अपन बुढ़ापा होता जाता है अपन बहुत थोड़ा स्टबर्न हो जाते हैं, थोड़ा रसिस्टिव हो जाते हैं, अपना ईगो अपन को बहुत हर्ट करने लगता है, अपना जो सिंस जो है, अपना पाप जो है वो डीप रूटेड हो जाता है। इसलिए अपन को आज का दिन जो है, अपना जो यंग एज है, अपन को उसमें प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का काम करना है। तो ये कभी भी आप भूलना नहीं है, क्योंकि हमारा जो दिन है बहुत सेंसिटिव है। क्योंकि अगर हम एक पाप करते हैं, अपन को सबको मालूम है कि अगर अपने बहुत सारे देखे कि जो एक मर्डर करता है उसके बाद फिर वो दूसरा मर्डर करता है, फिर वो तीसरा मर्डर करता है, कुछ दिनों के बाद वैसा रसिस्टिव हो जाता है कि वो 10 मर्डर भी करके आएगा तो उसको कॉन्शियस कभी उसको पुट नहीं करता, क्योंकि उसका हार्ट जो है एकदम हार्डन हो जाता है। तो अपन को ऐसा नहीं होना है, अपन को अपना हार्ट बहुत सेंसिटिव है, अपन को प्रभु का वचन को उसको स्वीकार करना है, अपना हार्ट को हार्डन नहीं करना है। आज का दिन जो है अपने वचन में लिखा गया, तुम जब तुम प्रभु यीशु मसीह के वचन का सुनोगे तो अपने मन को कठोर ना करना, जिस प्रकार से मासा और मरीबा के समय में उस इस्राएल लोगों ने किया था, उस प्रकार से अपने मन को कठोर नहीं करना है, बहुत सेंसिटिव है। तीसरा पॉइंट मैं ये शेयर करना चाहूंगी, आज को जो ये जो यंग एज है बहुत टीचेबल एज है, अपन बहुत कुछ चीज पढ़ सकते हैं, अभी अपन को अपन सबको आंखों से अपन को अच्छी रोशनी मिलती है, अपने कान में अपन अपना अच्छे से अपन को सुनाई देता है, अपन का सेंस से अपन को किसी को डिमेंशिया नहीं है, तो अपन को जो भी कुछ पढ़ाता है, छोटा छोटा भी 10 मिनट का सरमन, 15 मिनट का सरमन भी हो, कुछ भी कोई भी पढ़ाते हैं, इवन तो अपन ने सुना है, पर तो हमेशा प्रभु अपन को एक ना एक सेंटेंस अपन को देता है अपनी आत्मिक उन्नति के लिए। तो ये सबसे बेस्ट टीचेबल ईयर्स है। तो जितना पढ़ सकते हैं आप और पढ़ो, और पढ़ते जाओ, वचन को मेमोराइज करते जाओ। मैं सब स्पेशली कोरोना के समय में अपन देखा सबसे बेस्ट टीचेबल ईयर जो है पढ़ने के लिए, जो ईयर प्रभु ने सब लोगों को इस संसार में पूरा दिया है, केवल अमेरिका में नहीं पूरे संसार में, देखो कोरोना का टाइम है, क्योंकि उसके पहले सब लोग चर्च में जाते थे। ये जरूरी है, ये ठीक है कि अपन को एक अच्छा फेलोशिप मिलता था, बहुत सारी चीजें अपन मिस कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर ने सब इंसान को इंडिविजुअली प्रभु से बहुत क्लोज करके रखा है। अभी का जो रिलेशनशिप है अपन देखा जाए तो इंडिविजुअल रिलेशन, पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु में लोगों का बिल्ट हो गया है। अब मालूम पड़ गया कि अरे ये पॉलिटिक्स जो है, चर्च में जो पॉलिटिक्स चलता था, गाना गाना, माइक पकड़ना, प्रतीज करना, वावा अप्लाई करना, या साड़ी दिखाना, या सूट दिखाना, बच्चों को कॉम्पिटिशन, ये सब फालतू बकवास लगता है। रियली वॉट मैटर्स वो है कि हर इंसान का प्रभु के साथ कैसा रिलेशनशिप है। जब अंत के दिन में जब सबों को जब जजमेंट सीट के सामने खड़ा रहना पड़ेगा, तब अपना हाथ बलवंत है कि नहीं, अभी के दिन में अपन को फाइंड आउट करना है, और अपन को उन्हीं लोगों से मिंगल करके रहना है जो प्रभु में आगे अपन को बढ़ा सकेंगे। ऐसा नहीं कि अपन कोई किसी के बारे में कुछ
प्रॉब्लम मालूम पड़ गया तो तुमको व्हाट्सएप में दूसरों को मैसेज नहीं भेजना है, परंतु अपने जवानी के दिनों में प्रभु ने अपन को जो वचन पढ़ाया है उस वचन के अनुसार से अपनको चलना है और एक दूसरे की सहायता करना, मदद करना है, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। कल का दिन क्या है हमें नहीं मालूम है, इसलिए अपन को हर दिन जो है ये जो अपने जवानी के दिन है अपने उद्धारकर्ता को स्मरण करना है, उसके वचन को पढ़ना है। और बुढ़ापा आने के लिए वेट मत करो, आज आपको जो भी मिनिस्ट्री करना हो आप मिनिस्ट्री करिए। आप धन दे के, पैसा दे के मिनिस्ट्री कर सकते हैं, प्रार्थना करके मिनिस्ट्री कर सकते हैं, बहुत सारे वेस है मिनिस्ट्री करने के लिए। और परमेश्वर केवल हृदय को देखता है, परमेश्वर ये नहीं देखता कि अपन कितना काम कर रहे हैं, परंतु किस हृदय से कर रहे हैं केवल वो प्रभु देखता है। अपना इंटेंशन क्या है, डीप इंटेंशन क्या है, अपन हमेशा प्रभु को प्रसन्न करने वाले रहना चाहिए, कभी भी किसी मनुष्य को प्रसन्न करने वाला नहीं रहना, क्योंकि मनुष्य सब मिट्टी है, वो सब खत्म हो जाएगा। ये सब कुछ दिनों का एक खुशी है केवल, परंतु हमेशा हमेशा अपन को नित्यता के लिए प्रभु ने अपन को एक इटर्निटी बनाकर रखा है, अपन को वहां वास करना है। यहाँ पे अपना घर नहीं है, अपना धन दौलत नहीं है, हम यीशु के साथ एक दिन मिलेंगे, वही हमारी आशा है, वही हमारा फोकस है, वही हमारी प्रार्थना है। तो प्रभु आप सबों को इन वचनों के द्वारा अनुग्रह करें, आप सबों को आपके जमाने के दिनों में ये तीनों पॉइंट लेकर ये प्रभु आप सबों को आगे बढ़ाए, और यही मेरी आप सबों से शुभकामनाएं हैं। प्रभु आप सबों को अनुग्रह करें, मैं गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, आमेन, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज रात को प्रभु के वचन से हालेलुया सिस्टर बीना को सुनाने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, जैसे हमें सब उपदेशक 12वां अध्याय का पहला वाक्य, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हालेलुया, प्रोवर्ब्स नीति वचन 22:6, लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिनमें उसको चलना है चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। इस परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए हमने और हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों को, हमारे प्रियजनों को परमेश्वर सहायता करे, परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर हमें से हर एक को सहायता करे। परमेश्वर के वचन से हम सबों को प्रेम होने के लिए परमेश्वर सहायता करे, विशेषकर इन दिनों में जो लॉकडाउन का टाइम है, परमेश्वर हम सबों को वचन पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए, दूसरों के साथ वचन शेयर करने के लिए परमेश्वर हमें से हर एक को सहायता करे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर बीना, गॉड ब्लेस योर फैमिली, गॉड ब्लेस द मिनिस्ट्री, आमेन।